उसमें नीतीश कुमार आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लाख आप कोशिश कर लें, विपक्षी एकता का प्रयास कर लें, न 24 में नरेंद्र मोदी को रोक पाएंगे और न 2025 में बीजेपी को बिहार में सरकार बनाने से रोक पाएंगे। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने लव भी बैठा है और कुश भी बैठा है। जब लव और कुश जब दोनों बीजेपी में है, जब मंडल कमंडल दोनों बीजेपी में है, तो बीजेपी को कोई पराजित नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार की सरकार ने अगर अच्छा काम किया, उसका 2/3 श्रेय अगर किसी एक आदमी को देना है, उस व्यक्ति का रामचंद्र प्रसाद से। जिस दिन नीतीश कुमार ने भाजपा को धोखा देकर गठबंधन को तोड़ने का काम किया, उसी दिन से जदयू के टूटने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। अब जदयू का कोई भगवान भी बचा नहीं सकता है, उसका समाप्त होना तय है। और जिस रामचंद्र बाबू ने जनता दलू के पौधे को सींच कर यहाँ तक पहुँचाया, और हम लोग मजाक में कहते थे कि रामचंद्र बाबू प्रचारक है जनता दलू के, जैसे हमारे यहाँ संगठन मंत्री होता है, उसी प्रकार रामचंद्र बाबू ने खुद पसीना एक बहाकर जनता दलू को खड़ा करने का काम किया। और अगर 13 साल 14 साल अगर नीतीश कुमार की सरकार ने अगर अच्छा काम किया, उसका 2/3 श्रेय अगर किसी एक आदमी को देना है, उस व्यक्ति का रामचंद्र प्रसाद से। ये सरकार इतना बेहतरीन परफॉर्म नहीं कर पाती, पर्दे के पीछे रहकर और एक-एक चीज का इनपुट देना, काम करना। और नीतीश जी, आपने रामचंद्र बाबू जैसे आदमी को धोखा दे दिया। जो व्यक्ति रेल मंत्री के समय से आपके साथ था, उस व्यक्ति को आपने धोखा दे दिया। मित्रों, ये नीतीश कुमार, ये नीतीश कुमार की फितरत है अपने सहयोगियों को धोखा देना। टिकट देना ना देना एक अलग बात है, लेकिन आप अगर गिनती करेंगे तो जॉर्ज फर्नांडिस, जिनके कारण मुख्यमंत्री बने, केंद्र में मंत्री बने, शरद यादव, आप अगर लिस्ट देखेंगे तो जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, दिग्विजय सिंह, शिवानंद तिवारी, ललन सिंह, यही ललन सिंह जब आए टाइम बोलते रहते हैं, यही थे कि नीतीश कुमार को गाली देकर गए थे और पटना के गांधी मैदान में और एक बड़ी रैली किया था और कहा था कि ये तानाशाह है, यहाँ लोकतंत्र नहीं है। और फिर नीतीश कुमार के नाम की धूल चाटने के लिए फिर आगे जनता दल के अंदर ये ललन सिंह, कृष्ण पटेल, आनंद मोहन, रामविलास पासवान, सकनी चौधरी, हमारे सम्राट चौधरी जी के पूज्य पिताजी श्री सकनी चौधरी, लालू प्रसाद यादव, प्रभुनाथ सिंह, रघुनाथ झा, ऐसे और एक दर्जन लोगों का नाम मैं ले सकता हूँ जिनके बदौलत नीतीश कुमार यहाँ तक पहुँचे। लेकिन अपनी कुर्सी के लिए, मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए इन्होंने सबों को धोखा देने का काम किया। नीतीश कुमार के बारे में कहावत प्रचलित है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा, कोई आदमी नहीं है जिसको ठगा नहीं है। और रामचंद्र बाबू, आपने उनको अपमानित किया, बेइज्जत किया, आपने आरोप लगाया। जिनको भी हटाना होता है तो आरोप लगाते हैं, ये दंगाई है, ये बीजेपी से मिल गया, ये बीजेपी का एजेंट है। अगर 20 साल 25 साल तक रामचंद्र बाबू आपके साथ थे, आपको पता नहीं चला कि ये किसके एजेंट है। उसमें नीतीश कुमार, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लाख आप कोशिश कर लें, विपक्षी एकता का प्रयास कर लें, न 24 में नरेंद्र मोदी को रोक पाएंगे और न 2025 में बीजेपी को बिहार में सरकार बनाने से रोक पाएंगे। और इसलिए
जनता दलित के बचे खुचे जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनसे अपील करूंगा, और जो लव कुश की बात करते हैं, यहाँ तो लव भी बैठा है और कुश भी बैठा है। जब लव और कुश जब दोनों बीजेपी में है, जब मंडल कमंडल दोनों बीजेपी में है, तो बीजेपी को कोई पराजित नहीं हो सकता है। रामचंद्र बाबू जी का मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची।